बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम कार्ड से सरस्वत बैंक के एटीएम मशीन से पैसे कैसे निकाले जाते हैं, आज मैं ए टू जेड इस वीडियो में सारा प्रोसेस बताने वाला हूं। तो यहां पे देखिए, मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम कार्ड है। इसी प्रकार से आप भी अपना बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम कार्ड सरस्वत बैंक के एटीएम मशीन में यहाँ पर इस प्रकार से डाल देना होगा। डालने के बाद आपको एटीएम मशीन के स्क्रीन पर देखिए इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा, प्लीज़ वेट का ऑप्शन। थोड़ा सा वेट करेंगे, वेट करने के बाद आपके सामने ऑटोमेटिक इस प्रकार से आएगा। देखिए ऊपर लिखा हुआ सरस्वत बैंक, नीचे बैलेंस इंक्वायरी विड्रॉल, कई सारे ऑप्शन आपको इस प्रकार से दोनों साइड मिलेंगे। तो आपको पैसे निकालने के लिए विड्रॉल कैश के ठीक सामने बटन दबा देना है। दबाते ही अगला ऑप्शन इस प्रकार से आएगा, देखिए फिर से लिखा हुआ है सरस्वत बैंक और उसके नीचे यहाँ पे आरएस और उसके साइड में यहाँ पे करेक्ट इनकरेक्ट। यहाँ पे आपको सबसे नीचे देखिए लिखा हुआ प्लीज़ इंटर द अमाउंट, यानी जो भी पैसा आप निकालना चाहते हैं उस पैसे को यहाँ पर एंटर करेंगे। जैसे मैं 100 रुपये निकाल के दिखाने वाला हूँ, 100 रुपये यहाँ पर एंटर कर दिया। अब यहाँ पर आपको करेक्ट के ठीक सामने बटन दबा देना है। दबाने के बाद इस प्रकार से अगला ऑप्शन आएगा, देखिए लिखा हुआ प्लीज़ सिलेक्ट योर ऑप्शन, प्रेस कैंसिल एंड एक्साइड। यहाँ पे सेविंग और करेंट, यहाँ पे सेविंग अकाउंट के ठीक सामने बटन आपको दबा देना है। दबाते ही इस प्रकार से आएगा अगला ऑप्शन, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ प्लीज़ इंटर द पिन, यहाँ पे आपको अपना पिन नंबर डालना है। जो भी आपका पिन नंबर होगा एटीएम कार्ड का, वो पिन नंबर आप यहाँ पे डाल देंगे। डालने के बाद आपको कन्फर्म का ठीक सामने बटन दबा देना है। दबाने के बाद आपके सामने देखिए कुछ इस प्रकार से आएगा, यहाँ पे देखिए इस प्रकार से सबसे नीचे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा प्लीज़ वेट योर ट्रांजेक्शन बिगनिंग प्रोसेस। थोड़ा सा वेट करेंगे, वेट करने के बाद जो भी पैसा आप निकालना चाहते हो वो पैसा देखिए यहाँ से नीचे से निकल के आ जाएगा। ये देखिए मैं 100 रुपये निकाल के दिखाने वाला था तो मेरा 100 रुपये निकल के आ गया। इसी प्रकार से आप सरस्वत बैंक के एटीएम मशीन से पैसे निकाल सकते हैं और एटीएम मशीन के स्क्रीन पर देखिए सक्सेसफुल भी लिखा आ गया और यहाँ पे धन्यवाद, यानी आपका ट्रांजेक्शन अब पूरा हो चुका है, पैसे निकल गए हैं। अब आप अपने एटीएम कार्ड को एटीएम मशीन से इस प्रकार से निकाल देंगे। यहाँ पर देखिए मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम कार्ड है। अगर आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी प्रकार की वीडियो और जानकारी मैं अपने चैनल पर अपलोड करते रहता हूं। अगर इससे रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल या कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं।